नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कई दिनों के हंगामे के बाद महाराष्ट्र में जब राजनीतिक उथल पुथल के बादल छटे तो एक बार फिर से सियासी आसमान में बीजेपी का सूरज चमक गया। जिस महाराष्ट्र की सत्ता 2019 में बीजेपी के पास आते आते रह गई थी, वहां फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सरकार बना ली है। पीएम मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो बीजेपी और उसके गठबंधन दल केवल 7 प्रदेशों में सत्ता में थे। आज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 18 राज्यों में सरकारें। जो विरोधी दल हैं वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के बारे में सोचती है, और बीजेपी कहती है कि नहीं, वो नैतिकता के आधार पर इस तरीके से आगे बढ़ रही है और देश में उसका विस्तार उसकी वैचारिक जीत है। जो प्यादे से वजीर को मात दे वो बीजेपी। जो वजीर से प्यादे की चाल चलवाए वो बीजेपी। जो बीच खेल नियम बदलकर पूरी बाजी पलट दे वो बीजेपी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता के अश्वमेध यज्ञ में 2.5 साल बाद राजनीति की 2.5 चाल चली और विपक्ष की चाल के सभी पासे पलट गए। न पवार का पावर चला, न पटोले का दम चला, न उद्धव का ठाकरे सरनेम चला। महाअघाड़ी का पोस्टर फटा तो उसमें हीरो बनकर निकले शिंदे, एकनाथ शिंदे। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। शिंदे ने शपथ ली और बीजेपी के शासन वाले राज्यों के चार्ट में एक और राज्य उसके खाते में चढ़ गया। करणार नाही, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो 2019 में गंवाया था वो 2022 में फिर हासिल कर लिया। महाराष्ट्र, देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र, यूपी के बाद राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र। विपक्ष के पास बीजेपी की रणनीति की कोई काट नहीं। विपक्ष परेशान है कि वो जीती हुई बाजियां हार रहा है और बीजेपी हर हारी हुई बाजी को एक के बाद एक जीतती जा रही है। ठीक तो है, कहा भी जाता है कि सत्ता के खेल में साम दाम दंड भेद सब चलता है। वैसे भी राजनीति है तो चालें तो चली ही जाएंगी। बीजेपी ने हार कर जीतने वाले को बाजीगर साबित किया और हारा हुआ मध्य प्रदेश जीता, बिहार की बिगड़ी बाजी जीती, कर्नाटक की जटिल जंग जीती, गोवा का गढ़ जीता, हरियाणा का रण जीता। आम चुनाव हो, उपचुनाव हो, पार्षद के स्तर का चुनाव हो या राष्ट्रपति चयन का चुनाव हो, बीजेपी के तर्कश में अकाट्य अस्त्र है। विपक्ष चाल सोच नहीं पाता तब तक बीजेपी खेल जीत लेती है, और जहां नहीं जीतती वहां तो जरूर जीतना उसे आता है। विपक्ष हार पर मंथन नहीं कर पाता, बीजेपी अगले राज को कैसे जीते इस चिंतन पर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी जिन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, और पार्टी इस बात पर जश्न नहीं मना रही बल्कि ये सोच रही है कि अगले लोकसभा चुनावों में यूपी की 80 की 80 सीटों को कैसे जीता जा सकता है। चौबीस में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर
80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है, यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। जब आजमगढ़ और रामपुर के गढ़ भी जीत लें तो बीजेपी का यह आत्मविश्वास स्वाभाविक है। उपचुनावों की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने आत्म आनंद की मुद्रा नहीं अपनाई, बल्कि आत्मावलोकन करके मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर ली। जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। बीजेपी की हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में जय विजय की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की जीत को ठहर कर सुस्ताने का पड़ाव नहीं, आगे और तेज मंजिल की ओर बढ़ने का संदेश निकल रहा है। मंजिल है हारी हुई सीटों पर जीतने के लिए अभी से जुट जाना। रामपुर और आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण गढ़ थे, जहां उनके बड़े नेता आजम खान और उधर अखिलेश यादव ने सीटें छोड़ी थी, उन सीटों पर कब्जा कर लेना, ये सीधा सीधा मुझे संकेत लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को पाने के लिए 80 को जब उसने आज से 6-8 महीने पहले ये बात कही, तो निश्चित रूप से आजमगढ़ और ये उनके मस्तिष्क में रहा होगा वो उन्होंने किया। तो उनकी जो रणनीति है तो ये थोड़ा कठिन तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, बसपा कहीं अस्तित्व में बची नहीं है, कांग्रेस खाली रायबरेली तक सीमित है, तो अब की लोकसभा चुनाव में रायबरेली में भी क्या उठापटक होगी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां 2019 में बीजेपी ने 80 में से 63 सीटें जीती थी। 2024 में सभी 80 सीटों पर विजय पताका फहराने का लक्ष्य बीजेपी ने सुनिश्चित कर लिया है और इसके लिए बूथ स्तर पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,75,000 पोलिंग बूथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का 1,23,000 बूथों पर मोर्चा मजबूत रहा। इन बूथों पर बीजेपी को लगभग 51% वोट हासिल हुए। बीजेपी की तैयारी सबसे अधिक उन्हीं 30,000 से 35,000 बूथों पर है, जहां वो कमजोर रही या विपक्ष से उसे कड़ी टक्कर मिली। 4-5 सीटें 6 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश की कि जिसको को ये समझा जाता था, चाहे वो आप मैनपुरी की ले लें, रायबरेली की ले लें, रामपुर की ले लें, आजमगढ़ की ले लें, ये ऐसी 4-6-8-10 सीटें थी कि जिसमें कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, ऐसे में ये विपक्ष के पास रहेंगी। लेकिन रामपुर और आजमगढ़ को जीत के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 80 में 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, ये संकेत और संदेश दे दिया है कि ये हमारे लिए असंभव नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर की जीत ने बीजेपी को ये रास्ता दिखा दिया है कि अगर चुनावी रणनीति मजबूत हो तो विपक्ष के अभेद्य किले भी जीते जा सकते हैं, भले ही उन पर जाति संप्रदाय की राजनीति हावी क्यों हो। बीजेपी ने कमजोर बूथों के लिए खुद से सवाल किए हैं और कार्यकर्ताओं को जवाब ढूंढने का काम सौंपा है। कमजोर बूथों का सामाजिक समीकरण क्या है? कमजोर बूथों पर किन नेताओं का प्रभाव अधिक है? बीजेपी के किन नेताओं का असर कमजोर बूथों पर अधिक है? बीजेपी को वहां वोट कम मिलते हैं तो क्या है इसका कारण?
विपक्ष की जीत के कारण कमजोर बूथों पर क्या रहे, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी इन बूथों पर कितने। 80 सीटों के हिसाब से बीजेपी ने 80 लोगों की एक टीम भी बनाई है, जिनका काम उन सीटों पर होने वाले हर बदलाव या राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखना है। बीजेपी को मालूम है कि यूपी जीते तो सब जीते और विपक्ष यूपी हारा तो सब हारा। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक सबके मन में है मिशन 80। पिछले चुनाव में इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों सीटें बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी से हासिल की है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कानून का राज स्थापित है। भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बनाया है। जो माफिया कभी पहले दंदनाते घूमते रहते थे, वे आज जेल की हवा खा रहे हैं। उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर। ये दोनों सीटें बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली, लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि यह समाजवादी पार्टी की सीटें थी, बल्कि यहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में बीजेपी का इन सीटों को जीतना किसी चुनावी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आखिर वो क्या बात है कि बीजेपी अब मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीत सकती है। पचास प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले रामपुर में कैसे खिला बीजेपी का कमल। 40% मुस्लिम यादव आबादी वाले आजमगढ़ में कैसे लहराया बीजेपी का झंडा। मुलायम सिंह यादव का गढ़ टूट गया, अखिलेश यादव का गढ़ हाथ से गया। ये बीजेपी की कैसी चुनावी स्ट्रेटजी थी जिसने मुस्लिम बहुल इलाकों को भी जीत लिया। ये बीजेपी का कैसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सोशल इंजीनियरिंग के दायरों को बदल दिया। क्या लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी को मिली जीत बड़े बदलावों के संकेत दे रही है। रामपुर और आजमगढ़ सीटों को मुस्लिम यादव बहुल सीट माना जाता है, ये सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। आजमगढ़ तो वो सीट है जहां से 2014 में लोकसभा से मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। यहां तक कि 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की थी। फिर बीजेपी ने ऐसी क्या चुनावी रणनीति अपनाई कि उपचुनाव में कमल ने कमाल कर दिया। ऐसी क्या चुनावी बिसात बिछाई कि कुछ ही चालों में विपक्ष को शह देकर मात कर दी। मुस्लिम और यादव बहुल सीटों का बीजेपी के पास जाना क्या इस बात का इशारा है कि मुसलमानों और यादवों ने वोटिंग पैटर्न बदल लिया है और वो अब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बीजेपी और मुसलमान नदी के दो किनारों की तरह माने जाते हैं। बीजेपी मुसलमानों को चुनाव में टिकट ना देने के लिए जाने जाती है। इससे मुसलमानों में ये संकेत जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों से अब तक बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में मुस्लिम बहुल सीटों को जीतती चली आ रही है। माना जाता है कि ऐसा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब एम बाई फैक्टर में वो दम, वो ताकत नहीं बची है, या वो जो एक जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी यादवों में भी सेंध लगा चुकी है और मुस्लिम में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लक्ष्य अब मुस्लिमों की तरफ है कि वहां उसमें कुछ डेंट की जाए। उस लिहाज को लेकर मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। आंकड़ों पर नजर डालें
तो 2022 में बीजेपी को रामपुर में दो तरफा फायदा हुआ। बीजेपी के ओबीसी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को हरा दिया। आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। हिंदी भाषी 11 राज्यों को हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। इसमें 19 लोकसभा सीटें हैं जहां 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 5 सीटें मिली थी, 2014 में 14 और 2019 में 7 सीटों पर जीत मिली। 2009 से 2019 के बीच बीजेपी की मुस्लिम बहुल सीटें घटी, लेकिन वोट शेयर बढ़ा। 2009 में 40% से ज्यादा वाली 19 मुस्लिम बहुल सीटों में से बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिली थी, लेकिन 2014 में 9 और 2019 में बीजेपी ने 13 सीटें जीत ली। हिंदी हार्टलैंड में मुस्लिम प्रभाव वाली 19 सीटों में से 13 यूपी में मानी जाती हैं। 2009 में बीजेपी ने यहां सिर्फ एक सीट जीती, 2014 में सभी 13, लेकिन 2009 में 5 सीटें जीती। विश्लेषक मानते हैं कि 2014 में मुस्लिम समुदाय मोदी की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन 2019 आते आते मोह भंग हो गया। हालांकि अगर वोट शेयर देखें तो 2019 में यूपी में 13 मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों में से 11 पर बीजेपी ने 40% से ज्यादा वोट हासिल किए। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर बीजेपी का ओबीसी झुकाव भी है। रामपुर में बीजेपी का विजयी उम्मीदवार एक गैर यादव ओबीसी है। दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराकर अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। राजनेताओं की जातियों का अध्ययन करने वाली मेहता सिंह इंडेक्स के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों में ओबीसी और एससी का वर्चस्व रहा है। 2019 में यूपी में बीजेपी के 57.5% लोकसभा उम्मीदवार, 2017 में 52.8% विधानसभा उम्मीदवार, 50% पदाधिकारी और योगी आदित्यनाथ के मंत्री परिषद में 48.1% सदस्य ओबीसी या एससी रहे हैं। साफ है कि मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर बीजेपी का जीतना 2024 के चुनाव में विपक्षियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। चुनाव छोटे हो या बड़े हो, बीजेपी के लिए हर चुनाव मायने रखते हैं। वो एक टीम की तरह लड़ती है, पूरी ताकत और अनुशासन के साथ। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है तो सबको पता है कि उसका मुख्य कारण विधायकों की बगावत रही, और ये कहानी शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के साथ खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी शुरू कहां से हुई और बीजेपी कैसे इस खेल की सुपर पावर बनी, आइए अब आपको हम वो समझाते हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव हुए, इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। ये 3 सीटों की बीजेपी की जीत ही आज की शिंदे सरकार बनने की एक बड़ी वजह है। क्यों तो वो अभी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ, और कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है वो कुछ भी कहे, चाहे हमारा नाम का इस्तेमाल करे या और कुछ करे, वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है और जीत ही मायने रखती है। लोकतंत्र नंबरों का खेल है और बीजेपी ने उसमें महारत हासिल कर ली है। उदाहरण राज्यसभा के वो परिणाम रहे जिन्होंने महाअघाड़ी सरकार की नींव हिला दी थी। नंबरों के हिसाब से बीजेपी 6 में से सिर्फ 2 सीटें ही आसानी से जीत सकती थी। एक सीट शिवसेना, एक सीट एनसीपी और एक सीट कांग्रेस को मिल सकती थी। बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और शिवसेना ने 2 सीटों पर, यानी एक सीट ऐसी थी जिस पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने थी। बीजेपी ने इसमें शिवसेना को मात दे दी। महाअघाड़ी के समर्थक 10 निर्दलीय विधायकों को वो अपने साथ ला पाने में कामयाब रही। महाअघाड़ी के लिए ये बड़ा झटका था और बीजेपी के लिए जीत की रणनीति का बड़ा प्रयोग। शरद पवार, जो मराठा राजनीति के सबसे बड़े छत्रप कहे जाते हैं, वो
और ठाकरे विरासत के उद्धव मिलकर भी बीजेपी को रोक नहीं पाए। विधान परिषद में उनको डर लग रहा है कि तोड़ा भी जा सकते हैं, क्योंकि इस बार वीप और गुप्त मतदान पार्टी से भी गुप्त रहेगा, तो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी को भय है कि उनके स्वयं के विधायक माफिया सरकार के विरुद्ध में मतदान कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद विधान परिषद के लिए भी गुप्त मतदान हुआ। महाराष्ट्र विधान परिषद में 10 सीटों में नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी 4 सीटें जीत सकती थी। बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे और महाअघाड़ी ने 6, यानी फिर एक सीट पर कांटे से ज्यादा नाक का सवाल। माना यह जा रहा है कि महाअघाड़ी के 21 विधायकों ने बीजेपी के साथ खड़े होने का फैसला किया और बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते, महाअघाड़ी के भी 5 ही जीत पाए। हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ पर चुनकर आए हैं, मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी की इस जीत के बाद महाअघाड़ी सरकार में तय हो गया कि सब ठीक नहीं है और शिंदे की बगावत के बाद जिस तरह विधायक उनके साथ गए, उसके बाद की कहानी तो महाराष्ट्र राजनीति का नया इतिहास है। राज्यसभा विधान परिषद के चुनावों को बीजेपी ने जिस गंभीरता से लिया, उसने महाराष्ट्र की संयुक्त सरकार गिरा दी और बीजेपी की हर चाल ऐसी कामयाब रही कि वो फिर से सत्ता में लौट आए। संकेत और संदेश बीजेपी का साफ है, हर एक जीत जरूरी होती है। कर्नाटक और तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो केरल और तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है, लेकिन दक्षिण के मोर्चों को भी वो छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी लगातार दक्षिण भारत में जनाधार बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है। बीजेपी के मिशन 2024 के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। राजनीतिक विस्तार की कोशिशों में बीजेपी का रथ दक्षिण की ओर आते आते धीमा पड़ जाता है। तमाम प्रयासों के बाद भी मिशन दक्षिण विजय अभी भी बीजेपी के लिए अग्निपथ है, लेकिन बीजेपी ने न हार मानी न कोशिशें रोकी, बल्कि 2024 के आम चुनावों के लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मिशन दक्षिण का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। केसीआर जी के यहाँ पर इस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाउनिश बिहेवियर शायद एक पार्टी प्रोसीजर होगा, हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किसी शहर में किसी प्रदेश में होना उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है और कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान के लिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेंगे, इस दृष्टि से कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1980 के बाद से ही बीजेपी ने दक्षिण में पैर पसारने की लगातार कोशिशें की हैं, लेकिन केंद्र शासित पुडुचेरी और कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किले वो आज तक नहीं भेज पाए। पूरे 18 साल बाद बीजेपी ने फिर पूरे दल बल के साथ मिशन दक्षिण की ओर कूच कर दिया है। रण क्षेत्र के लिए चुना है हैदराबाद को, सामने है तेलंगाना और नजर में पूरा दक्षिण भारत। हैदराबाद की सड़कों पर और तेलंगाना में हर जगह एक जोश है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि केसीआर को कि जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, अपने विरोधियों को दमन कर रहे हैं और भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनपा हुआ है, लोगों में बहुत नाखुशी है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने सभी 119 विधानसभा सीटों पर 2 दिन का प्रवास किया। हर क्षेत्र में 7 बड़ी बैठकें की, 35,000 बूथ कार्यकर्ता जुटाए। यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से आकर तेलंगाना रहने वाले हर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बैठकों का रोड मैप तैयार किया। माना जाता है कि पार्टी अध्यक्ष रहते अमित शाह ने मिशन दक्षिण का खाका खींचा था, जिसे अब वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा आगे लेकर जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना जाना और तमिलनाडु जाकर चुनावी बिगुल बजाना। हालांकि तमिलनाडु और केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतकर या मजबूत स्थिति दर्ज कराकर अभी से शेष दक्षिण भारत में अपने उभार का स्पष्ट संकेत देना चाहती है। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जान सके। दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक 129 सांसद चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 5 राज्य बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसलिए भी उन राज्यों में जनाधार बढ़ाना बीजेपी के लिए जरूरी है। तेलंगाना में हमें कमल खिलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तेलंगाना के दिलों में नरेंद्र मोदी गारू है, तेलंगाना के मन में बीजेपी है, तेलंगाना के मन में वसूली तंत्र को हटाने की छटपटाहट है। तेलंगाना का अक्का हो, चल्ली हो, अन्ना हो, तमिलू हो, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, वसूली तंत्र वाली केसीआर को हटाओ और नरेंद्र मोदी गारू को लाओ। बीते कुछ समय में बीजेपी ने जो अपना प्रभाव जमाने की कोशिशें दक्षिण के राज्यों में की हैं, वो उन्हें सत्ता तक ले जाने के लिए जी जान से जुटी है। हर कमी पर गौर हो रहा है, हर जरूरत पर काम। देश की राजनीति में बीजेपी के अच्छे दिन चल रहे हैं। जीत से प्रचंड जीत और प्रचंड जीत से असंभव को संभव करने वाले नतीजे। बीजेपी ने कदम कदम पर अपनी रणनीति और राजनीति बदली है। बीजेपी की चालों से विपक्ष की चालें कमजोर दिखती हैं। चुनाव का एक भी अवसर बीजेपी को राजनीति में विपक्ष के खिलाफ और मजबूत करता जाता है, इतना मजबूत कि विपक्ष भी असमंजस में कई बार बीजेपी के साथ आने को मजबूर दिखता है। एक चुनाव और सारी बाजी पलटना किसे कहते हैं, राजनीति शास्त्र में अगर कोई अध्याय लिखा जाएगा तो बीजेपी के इस दौर पर चर्चा जरूर होगी। देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और बीजेपी की विसात पर विपक्ष बेदम है। वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया। बीजेपी ने इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए की राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर आगे किया। लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामना भी देता, देश के प्रधानमंत्री को बधाई और धन्यवाद देता कि उन्होंने पहले भी अनुसूचित समाज के रामनाथ कोविंद जी को इस पद पे लाने का काम किया। हमारी पार्टी का सिद्धांत है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ध्येय वाक्य समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, सत्ता पहुंचनी चाहिए और आज इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है
कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे जो आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है उनके देश के सर्वोच्च पद के लिए जो है यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू ऐसी उम्मीदवार हैं जिनके सामने विपक्ष का दांव और पकड़ लगातार ढीली पड़ती जा रही है। बीजू जनता दल ने खुला समर्थन किया, मायावती ने समर्थन का ऐलान किया, एनडीए छोड़ने वाले अकाली दल ने समर्थन का ऐलान किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हेमंत सोरेन ने विपक्ष के माथे पर पसीना ला दिया है। सोचने वाली बात है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो अकाली दल एक बार फिर एनडीए को समर्थन दे रहा है जिसने किसान कानून पर पुराना गठबंधन तोड़ा, विधानसभा चुनाव भी अलग होकर लड़ा। मुद्दा कोई हो, नजदीकियां बढ़ती हैं तो वो राजनीतिक रास्ते में साथ चलने की गुंजाइशें भी बनाती हैं। 2024 तक फिर अकाली एनडीए साथ हो तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि एनडीए प्रत्याशी की जीत हो सकती है और झारखंड के हेमंत सोरेन अमित शाह से मिलकर नई राजनीति का संकेत दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई है, अभी जो आपने देखा अपनी आंखों से उसी को खबर बनाइए, बाकी चीजें आपको ब्रेक के बाद बताई जाएगी। आप इतने दुविधा में क्यों हैं? दुविधा में क्योंकि बोलने से बच रहे हैं। कोई दुविधा में नहीं है, आपको बताएंगे ना। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन संकेत जरूर मिलते हैं। 5 साल पहले बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई थी। इस बार कौन, ये देखना होगा। राजनीति में यह माना जाता है कि जो शह और मात की बाजी को पहले समझ लेता है उसकी ढाई चाल फिर सब पर भारी पड़ती है। बीजेपी ने विपक्ष की चालों के सामने कई राज्यों में अपनी ढाई चाल चल दी है। विपक्ष के लिए उन चालों को समझना तो दूर, उनके सामने कौन मोहरा और कौन वजीर हो यह तय करना तक मुश्किल हो रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 42 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की स्थापना के दिनों में ये भविष्यवाणी की थी। उन्होंने तब ये बात कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कही होगी, लेकिन अटल आडवाणी के दौर से होती हुई बीजेपी मोदी शाह के दौर में जब आई तो उनकी बात सही हुई। अक्सर ये बात कहने में आती है कि चुनाव एक जंग है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने इसे अपना राजनीतिक लक्ष्य माना और बीजेपी को साल 2018 तक 21 राज्यों में सिंहासन तक पहुंचा दिया। और इस समय भी 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी का राज है। मोदी शाह के साथ नड्डा के आने तक बीजेपी के लिए राजनीति फुल टाइम जॉब है, जिसमें नेता से कार्यकर्ता तक सबको रोज नई चुनौतियों के लिए रणनीति बनानी है और उस पर अमल करना है। नतीजा ये कि विपक्ष जहां से सोचना शुरू करता है बीजेपी उस पर अमल कर चुकी होती है। राजनीतिक पटल पर राष्ट्र के उत्थान का ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का मात्र 8 वर्षों की सेवा तक सीमित नहीं है, 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। जहां विपक्ष में बरसों से इस बात पर मंथन होता रहता है कि कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा, किसकी राय निजी और किसकी राय पार्टी की राय होगी, बीजेपी शीर्ष नेताओं के साथ प्रयोग से भी हिचकिचाती नहीं। बीजेपी ने पार्टी स्थापना के बाद लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष नहीं चुना, पूरे संगठन में बदलाव किया। चाहे उत्तर प्रदेश में किया जब 2013 में पार्टी का पुनर्गठन किया, नए नेता चुने, नया नेतृत्व चुना। कमजोर विपक्ष को बीजेपी की ताकत बताने से बेहतर है मजबूत नेतृत्व और नीति के चलते ही बीजेपी 2 सीट से प्रचंड बहुमत से 2 बार देश की सरकार बनाने वाली पार्टी बन सकी है। हर जीत बीजेपी को नया लक्ष्य देती है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।